कोहिनूर ने किया प्रकृति के दर्द को बयां। सबने कहा मत काटो, इन्हें भी दुखता है। कोहिनूर ऑलवेज ब्राइट का गो ग्रीन मिशन का पहला चरण पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा पेड़ों पर स्लोगन लिख के उन्हें न काटने की अपील की गई। अध्यक्ष वैशाली पुंशी ने बताया कि जितना वृक्षारोपण जरूरी है उतना ही जरूरी है वृक्षों का संरक्षण। हमें प्रकृति को बचाना है तो पेड़ों को कटने से रोकना होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम सब ने पेड़ों पर ऐसे स्लोगन लिखे हैं ताकि जो हाथ इनको काटने के लिए उठें, वो एक बार इस स्लोगन को पढ़कर ये सोचने को मजबूर हो जाएं कि मत काटो, इन्हें भी दुखता है। हमने लिखने के लिए गेरू का इस्तेमाल किया है जिससे पेड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचे। इस मिशन में लॉकडाउन की सभी गाइडलाइंस का पालन भी किया गया है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस के साथ हमने अपने मिशन को भी कामयाब किया है जिससे हम सभी सुरक्षित रह सकें और हमारी झांसी भी सुरक्षित रह सके। इस मिशन में श्रुति चड्ढा, निहारिका श्रीवास्तव, पूजा सुंदरानी, रचना सक्सेना, रोशनी जसवानी, सपना मुकेश, चंदा मुकेश तथा सिमरन चड्ढा आदि उपस्थित रहे। महामंत्री अंजलि दत्ता द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। प्रथम चरण के साथ हम लोगों ने अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो हम लोग का गो ग्रीन मिशन अभी तक बहुत आगे बढ़ चुका होता है हर साल और ये मिशन हम लोग कंटिन्यू 5 सालों से चला रहे हैं, लेकिन इस साल हम लोग लॉकडाउन के कारण थोड़ा देर तो हमें हो गई, लेकिन फिर भी आज हमारी टीम फिर से निकल चुकी है क्योंकि इस साल हम खुद स्थिति देख चुके हैं कि अगर हम अपनी प्रकृति की रक्षा नहीं करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आज जो सबक मिल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो हम लोगों की गो ग्रीन मिशन को मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ सब लोग प्रमोट करें। और हम लोग के प्रथम चरण में आज हम लोग ने पर्यावरण संरक्षण का काम किया है। पेड़ लगाना अपने आप में बहुत अच्छा काम है और हम सब अभी जैसे ही बारिशें स्टार्ट होंगी अपने गो ग्रीन मिशन के दूसरे चरण में प्लांटेशन करेंगे। उससे पहले प्रथम चरण में जो चीज़ हमारे पास पहले से है उसको सेव करना भी एक बहुत बड़ा कदम है। जो पेड़ हैं, फुटपाथ किनारे पेड़ हैं, घरों के आसपास पेड़ हैं, जो लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइम टाइम पर काट रहे हैं, उन सब से हमारी कोहिनूर की अपील है कि प्लीज़ उन पेड़ों को नहीं काटें। और इसी के लिए आज हम लोगों ने पेड़ों पे स्लोगन्स लिखे हैं और पेड़ों के दर्द को पेड़ों पे लिखकर खुद बयां किया है। मुझे मत काटो, दुखता है। अंजलि दत्ता, कोहिनूर ऑलवेज ब्राइट की महामंत्री। आज हम सब अपने मिशन के पहले चरण पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिसमें हम हर पेड़ पे जाके पर्यावरण संरक्षण का कुछ न कुछ मैसेज लिखेंगे पेड़ों की तरफ से। या हम एक मैसेज देना चाहते हैं हर एक इंसान को, हर एक लोगों को कि वो पेड़ को लगाते तो हैं हम साथ में, उनको सेव करना, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो हम पहले चरण में हैं आज हमारे गो ग्रीन मिशन के और इसमें हम सब के सब जितने भी हमारे मेम्बर्स हैं सब इकट्ठे हुए हैं। 5 बजे हम उठ के आए हुए हैं आज के घर से और आगे हम कई पेड़ों पे आज हमने कवर किया है, उसमें मैसेज लिखा है। धीरे धीरे ये मैसेज हम और कितना फैलाएंगे और दूसरा चरण होगा जिसमें हम पेड़ लगाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन के कारण हमारी जो पृथ्वी है काफ़ी हीलअप हुई है, ये हर एक इंसान जानता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी पक्की थी कि हमारी दुनिया में, हमारे अर्थ पे पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या थी। जो सही नीति, पेड़ों की कमी, इनके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी हीलअप हुई है और हम उसको और बढ़ावा देंगे। लॉकडाउन के कारण हम थोड़ा लेट हो गए हैं लेकिन हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे और इसका दूसरा चरण भी स्टार्ट होगा जिसमें हमें पेड़ लगाने का काम करना है। थैंक यू।